Hi guys, welcome back. In this video, we'll be talking about IELTS writing. So what I'll do is starting, I'll talk about IELTS writing part 1, then I'll talk about IELTS writing part 2. और गाइस एक और चीज जो भी फोटोज में दिखा रहा हूं या जो भी वोकैबुलरी आप लोगों को ये वीडियो में दिखाऊंगा जो भी कुछ दिखाऊंगा वो सारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो आप लोग वहां पे जाके सारा चेकआउट कर सकते हो और एक और चीज गाइस ये वीडियो एंड तक देखना बिकॉज ऐसी टिप्स दूंगा आप लोगों को जिससे आप लोग अगर 3-4 डेज भी पढ़ते हो ना इजीली आपके 7 बैंड्स ऑफ राइटिंग में आ ही जाएंगे बिकॉज सबको पता है राइटिंग में बैंड्स लाना कितना टफ है वीडियो पूरी देखो गाइस क्योंकि मैंने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है और मुझे एग्जैक्टली पता है किस तरीके से मैंने इतने बैंड्स लाए थे बहुत ही कम टाइम के अंदर तो वीडियो पूरी देखो और अगर किसी को यूजफुल लग रही हो तो कहीं शेयर कर देना गाइस जो भी आपका दोस्त हो या किसी को और वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट करके मुझे बता देना अगर कोई डाउट है आप लोगों को या तो गाइस आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो वहां पे भी मैं सब लोगों को रिस्पॉन्स देता हूं जो भी लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कोई भी डाउट्स है गाइस अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जाके मैसेज भेज सकते हो वहां पे मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा तो अभी ज्यादा देर नहीं करते वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि IELTS पार्ट 1 में फॉर्मेट क्या होती है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर तो नंबर 1 है गाइस आप लोगों को पाई चार्ट मिल सकता है या तो बार चार्ट मिल सकता है या फिर कोई आपको मेथड दे देंगे कि सीमेंट कैसे बनता है कंक्रीट कैसे बनती है वो सारी चीज़ों के आपको मेथड दे देंगे और वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या तो आप लोगों को वो ऐसा बोलेंगे कि एक ये एरिया है ये एरिया को पूरी तरीके से डिटेल में 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करो ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग पार्ट 1 में एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी आप लोगों को बताता हूं ऐसी कितने टाइम में आपको प्रैक्टिस करना है कैसे प्रैक्टिस करना है ताकि आप एग्जाम में इजीली कर जाओ ठीक है तो एग्जाम में गाइस ये लोग नॉर्मली आपको 15 या 20 मिनट्स मिलेगा पार्ट 1 खत्म करने के लिए ठीक है तो वो 15-20 मिनट्स के अंदर आप लोगों को 150 वर्ड से ज्यादा लिखना है अराउंड 160-170 अगर आप 200 प्लस लिख के आओगे तो गाइस ये मत सोच लेना आपके बैंड्स इंक्रीज हो जाएंगे कुछ भी इंक्रीज नहीं होने वाला है आप 170-180 तक लिखोगे तो दैट्स मोर देन इनफ और ये पार्ट 1 गाइस एक्चुअली में बहुत ईजी है तो आप यहाँ पे ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अब आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे IELTS राइटिंग में इतने ज्यादा बैंड्स इतने कम टाइम में कैसे आए थे तो नंबर 1 है गाइस जब मैं प्रैक्टिस करता था ना मैं डायरेक्टली आंसर शीट में ही लिखता था जब मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जब मैं घर पे प्रैक्टिस करता था तब मैं उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अब जैसे आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि एग्जाम में गाइस इस तरीके का पेपर आएगा आप लोगों को ठीक है इस तरीके का पेपर रहता है तो जब मैं प्रैक्टिस करता था मैं इसी में डायरेक्टली लिख लेता था तो मुझे पता लग जाता था कि कौन से पॉइंट पे मेरे 150 वर्ड्स खत्म हो जा रहे हैं या कौन सी लाइन पे जाके मेरे 150 वर्ड्स खत्म हो जा रहे हैं एग्जाम में जब मैं ऐसे लिखता था ना ऑटोमेटिकली मुझे एंड में पता लग जाता कि मेरे 150 के प्लस वर्ड्स चले गए अब मुझे 10-15 वर्ड लिख के खत्म करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाइस जब भी आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ये वाली शीट्स आपको मार्केट में मिल जाएगी ये खरीद लो और फिर उसके बाद आप इसके अंदर प्रैक्टिस करो तो आप लोग को काफी ईजी रहेगा और बिल्कुल भी मिस्टेक्स आपकी एग्जाम में नहीं होने वाली अगर आप इस तरीके से जाओगे अब आप लोगों को मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्मेट वाइज IELTS राइटिंग पार्ट 1 में लिखना है तो नंबर 1 जो होता है ना गाइस ये वाली जो 2 लाइंस आप लोगों को दिख रही है ये क्वेश्चन को सिनोनिम्स लिखा है मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हो बेसिकली या कह सकते हो कि मैं क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये वाले पीछे राइटिंग के अंदर तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन के सिनोनिम्स आप लोगों को सिर्फ वो क्वेश्चन को उल्टा सीधा करके यहाँ पे उसके सिनोनिम्स लिख दो आप ठीक है तो ये हमारे हो गए जो भी जितने भी साइज क्वेश्चन के उतना साइज यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोग फर्स्ट इंट्रो पैराग्राफ लिखोगे उसके बाद सेकंड पैराग्राफ लिखोगे और थर्ड बारे में सम अप कर दोगे कंक्लूजन दे दोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ जब आप लिख रहे हो ना गाइस तो आप लोग उसके जो भी मेन टॉपिक्स है ना उनको फर्स्ट पैराग्राफ में टच करने का ट्राई करो जैसे कि कोई चीज़ फॉर्म हो रही है कोई चीज़ बन रही है जैसे सीमेंट बन रहा है तो उसमें आप लोगों को दिया होगा कि वाटर मिक्स हो रहा है कंक्रीट के साथ इसके साथ उसके साथ जो भी आपको दे रखा है वो सारी चीज़ें आप लोग पैराग्राफ पैसेज 1 में एक्सप्लेन करो तो क्या है आपके मेन जो टॉपिक्स है ना वो सारे पैसेज 1 में ही क्लियर हो जाएंगे तो जब भी कोई इन्विजिलेटर आपका पैसेज पढ़ रहा होगा तो उसको वही पैसेज में समझ में आ जाएगा कि नहीं यार इस बंदे ने सारे मेन टॉपिक्स पहले ही टच कर लिए है तो वो उससे आपके बैंड्स इंप्रूव फटाफट हो सकते हैं अब जो मैं सेकंड पैसेज के बारे में बात करूंगा इसमें आप लोग फर्स्ट पैसेज जो भी एक्सप्लेन किया ना गाइस उसको उससे रिलेवेंट ही आप सेकंड पैसेज एक्सप्लेन करोगे बट एक और चीज गाइस इसमें खुद के ओपिनियंस देने का ट्राई मत करना बिकॉज ये पार्ट 1 है आपके ओपिनियन नहीं पूछ रहे लोग पार्ट 2 में आप लोग ओपिनियन लिख सकते हो उसके बारे में बाद में बताता हूं बट पार्ट 1 में आप लोग बिल्कुल भी ओपिनियंस मत लिखना जो भी आपको क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड ही आप लोग इसके अंदर लिखना और पार्ट 3 जो कंक्लूजन होता है गाइस यहाँ पे आप ओवरऑल करके या फिर टू रिकैपिचुलेट इस तरीके के वर्ड्स यूज करके आप इसको खत्म कर सकते हो तो ये था गाइस मैंने किस तरीके से 3-4 डेज में प्रैक्टिस करके 7 बैंड्स मेरे इजीली आ गए थे तो गाइस अभी आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी वोकैबुलरी आप लोगों को यूज करनी है तो ये जो भी वर्ड्स है ना गाइस इसका आपको फोटो लेके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो बट अभी फिलहाल आपको बताता हूँ आप
नॉर्मल वर्ड्स एग्जाम में जब लिख रहे हो ना गाइज राइटिंग में, तो आपके बैंड ज्यादा नहीं आएंगे. आपको कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे जिससे आपके बैंड्स इंप्रूव होते हैं. जैसे कि आपको कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, कोई भी चीज दे रखी है, कोई इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसके जगह पे आप राइज लिख सकते हो, रोज लिख सकते हो, फॉल लिख सकते हो, फेल लिख सकते हो, ग्रू लिख सकते हो, ड्रॉप्ड, स्लम्प्ड, फिर प्लंज्ड. इस तरीके के वर्ड्स आप लोग यूज करोगे गाइस, तभी आप लोग के बैंड ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे. ठीक है, ये मत एक्सप्लेक्ट करना कि आप इंक्रीज डिक्रीज बार बार लिख के आओगे तो आप लोग के बैंड इंक्रीज हो जाएंगे. और एक और चीज गाइस मैं बताता हूँ कि वर्ड्स रिपीट मत करना IELTS राइटिंग के अंदर. जितने वर्ड्स आप लोग कम रिपीट करोगे उतना अच्छा है, आपके बैंड उतने इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो सामने वाले इन्विजिलेटर को लगेगा कि नहीं यार इसकी वोकैबुलरी बहुत वाइड है, इसलिए ये अलग अलग तरीके के वर्ड्स यूज कर सकता है एक ही सिचुएशन के अंदर. तो ये बहुत बड़ी टिप है गाइस आप लोग को दे रहा हूँ, वर्ड्स रिपीट मत करो. और ये जो भी मैंने वर्ड्स दे रखे गाइस एक एक एक्सप्लेन नहीं करूंगा आप लोग को, इसकी मैं फोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो. तो मैंने ये चीज़ करी थी गाइस, प्लस मेरे को मेरे सर ने क्या किया था कि एक इस तरीके का सा एक ग्राफ बना के दिया था कि जब भी कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो. बिकॉज कभी कभी क्या रहता है गाइस, ग्राफ में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं रहता है, शॉर्ट इंप्रूवमेंट रहता है. जैसे 1900 से लेके 1910 तक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया, तो वो लोग बोलेंगे कि स्लाइट इंप्रूवमेंट है. और कभी कभी एकदम हाई लेवल इंप्रूवमेंट हो जाता है, तो उसके लिए आपको अलग तरीके के वर्ड्स यूज करने हैं. जैसे कि पीक, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम जो पहुंचा हुआ है वैल्यू, उसको पीक बोलते हैं. और उस तरीके की इसका भी फोटो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके के वर्ड्स भी मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, तो ये शायद आप लोगों को हेल्प कर दे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इसी तरीके से गाइज मैंने IELTS राइटिंग टास्क 1 को प्रैक्टिस किया था. और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो गाइज, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि कितने टाइम में आपको 15 मिनट्स का टाइमर लगा और उतने टाइम में आप खत्म कर दो, तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो आप लोगों को कि एग्जाम में भी उसी उतनी टाइम रेंज में खत्म करोगे. और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस कि जब भी आप लोग को थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिल रहा है ना, तो आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 3-4 मिनट्स पढ़ने का ट्राई करो. 2-3 मिनट आप क्वेश्चन में लगाओगे, क्वेश्चन को समझोगे, उसके बाद लिखोगे गाइस, तो आपका आंसर उतना ही इफेक्टिव रहेगा. आप फटाफट पढ़ने के बाद आप कुछ भी लिख दोगे आंसर शीट के अंदर, तो गाइज उतने बैंड्स आप एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज आपको सारे आंसर्स को टच करना पड़ेगा. जो भी क्वेश्चन लिखा है आप लोग को, उसके क्वेश्चन के हर एक पार्ट को आपको इलैबोरेट करना पड़ेगा आंसर के अंदर, तभी आपको फुल बैंड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो राइटिंग के अंदर. जस्ट एक टॉपिक को आप टच करोगे तो ये मत सोच लेना कि आपके फुल बैंड्स आ जाएंगे, ये नहीं होने वाला है. सो ये चीजें मैं जो भी बता रहा हूँ, ये चीजों को इंप्लीमेंट करना, और फिर मुझे जरूर बताना आपके कितने बैंड्स IELTS राइटिंग में आए. अभी आप लोगों को बताता हूँ गाइस कि पार्ट 2 IELTS में आप लोगों को क्या करना है जिससे आपके बैंड्स इंक्रीज हो जाए. बिकॉज पार्ट 2 जो होता है वो सबसे ज्यादा वेटेज वाला होता है. पार्ट 1 आप अच्छा कर दोगे, अगर पार्ट 2 अच्छा नहीं किया गाइस, तो आपके ओवरऑल बैंड्स कम ही आएंगे. सो पार्ट 2 पे भी ज्यादा ध्यान देना. अभी आप लोगों को बताता हूँ कि पार्ट 2 में किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, पर सबसे पहले आप लोगों को उसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि 40 मिनट्स आप लोगों को मिलेगा गाइस, और 40 मिनट्स में आप लोगों को 250 प्लस वर्ड्स लिखने हैं. पार्ट 1 में 150 लिखने हैं, पार्ट 2 में 250 प्लस वर्ड लिखने हैं. तो आप 270 280 तक लिखोगे तो दैट्स गुड. अभी आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके कौन से टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछ सकता है वो. तो नंबर 1 आपको वो आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है. सेकंड आप लोगों को बायस्ड पूछेगा, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, और या तो फिर पूरा पॉजिटिव या तो पूरा नेगेटिव. अब आर्ग्यूमेंट में क्या बोलेगा गाइस कि बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी है या चीज़ अच्छी नहीं है, आपको उसके बारे में आर्ग्यू करना है. तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस, उसके ऊपर आप ज़्यादा लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट टाइप क्वेश्चंस. अगर वो क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड नहीं भी है ना, तो भी आप उसको आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड बना दो. उसमें क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग के 2 पैसेज में आप पॉजिटिविटी दिखा सकते हो, फिर नीचे के 2 पैसेज में उसकी वही चीज़ की नेगेटिविटी दिखा सकते हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड. तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट. अब बायस में क्या होता है गाइस कि आप एक ही साइडेड बात कर रहे हो, या तो पूरा पॉजिटिव बात कर रहे हो, एक छोटा सा नेगेटिव बात कर रहे हो, या तो पूरा नेगेटिव बात कर रहे हो और एंड में थोड़ा बहुत उसका पॉजिटिविटी दिखा रहे हो. ये हो गया बायस्ड. ठीक है, अब होता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन. कोई क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि आजकल बर्ड्स बहुत कम हो जा रहे हैं या प्लांट्स और एनिमल्स डिप्लीशन में चले जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है और उसका आपको सॉल्यूशन देना है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं गाइस. इसमें आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे, सेकंड पैराग्राफ में दिखाओगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, फिर आप वही पैराग्राफ में दिखाओगे कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उसी तरीके से आपको 2-3 अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और लास्ट में उसको कंक्लूड कर देना है. तो वो होता है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन टाइप. और लास्ट वाला जो होता है वो गाइस पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव. जैसे कोई भी आपको दिखा दे कि एम्प्लॉयमेंट के क्या फायदे होते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के गाइस सारे ही मोस्टली डिसएडवांटेजेस ही है, कोई एडवांटेज नहीं होते, तो उसमें आप लोग को पूरा नेगेटिव बताना है.
तीन पैसेज जो आप लिखोगे उसमें सारा कुछ नेगेटिव आएगा। तो ये चार टाइप के क्वेश्चंस ही आप लोगों को पार्ट टू में वो पूछ सकता है। तो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो आप मोस्टली आर्ग्यूमेंट टाइप उसको बना देना, तो आप लोग ज्यादा आपको आइडियाज मिलेंगे। बिकॉज यहाँ पे आप पॉजिटिव भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी एड ऑन कर सकते हो, तो लेंथ बढ़ा सकते हो, 250 प्लस वर्ड्स जाना है तो आपको उस तरीके से लिखना है। सो ये चार तरीके के गाइज टाइप होते हैं पार्ट टू के अंदर। अब आप लोगों को बताता हूँ गाइज, मैं पार्ट टू भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करता था जैसे मैं पार्ट वन करता था। ठीक है, मैंने क्या करता था, पहले मैं इंट्रोडक्शन लिख लिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा, तीसरा पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे मैंने कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो मुझे इसमें भी पता लग जाता था कि मेरे 250 प्लस वर्ड्स कब गए, कौन सी लाइन पे गए, तो ये काफ़ी एडवांटेज रहता है गाइज। अभी आप लोगों को बताता हूँ गाइज कि पार्ट टू में आप लोग कैसी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों यार यहाँ पे एक स्क्रीन पॉप होती हुई दिखेगी और मैं अभी यहाँ पे ये जो भी दिख रहा है आप लोगों को वो सारा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। सो बिल्कुल भी आप अभी जाओ मैं डिस्क्रिप्शन में, पहले देख लो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो पहले गाइज आप लोगों को पार्ट टू में क्या कौन से वर्ड से स्टार्ट करना है, जैसे टू बिगिन विद, टू स्टार्ट विद, इस तरीके के सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोगों को। फिर पैसेज 3-4 में आप लोगों को किस तरीके से कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, जैसे कि सेकेंडली हो गया, थर्डली हो गया, फिर अलग अलग तरीके के बहुत सारे और भी वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। फिर आप नीचे जाओगे तो आप लोगों को गाइज लाइकवाइज, जैसे कि अगर आपने कोई पहले पैराग्राफ में आप लोगों ने कुछ अच्छी बात करी, सेकेंड पैराग्राफ में आप लोगों को वही बात को बूस्टअप करना है, तो आप लोग ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो उसके फेवर में बात करने के लिए। फिर अगर आप नीचे जाओगे गाइज तो आप लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन टाइप क्वेश्चंस दिखेंगे और फिर एंड में कंक्लूजन के टाइप के वर्ड्स भी आप लोगों को देखने मिलेंगे गाइज। तो बहुत सारे और भी आपको चीज़ें देखने मिल जाएगी ये वाले में, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को बहुत ईजी रहेगा जब भी आप लोग प्रैक्टिस करते हो। और ये वाले वर्ड्स गाइज जरूर एग्जाम में यूज़ करना, बिकॉज ये जो है हम लोग डे टू डे बेसिस में यूज़ नहीं करते, इससे आप लोगों की वोकैबुलरी थोड़ी हाईफाई दिखेगी एग्जाम में, जिससे आपके बैंड्स इंप्रूव हो जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ गाइज कि नॉर्मल इंग्लिश मत लिखो जब भी IELTS में जा रहे हो, बिकॉज वो लोग अगर नॉर्मल इंग्लिश देख के आपको बैंड्स 8-9 आ जाएंगे तो गाइज वो पॉसिबल ही नहीं है, वो होने वाला नहीं है। 8-9 जाने के लिए आपको वो लेवल का इंग्लिश लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए गाइज आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा आपके बैंड्स पे बूस्टअप आएगा या आप इम्प्रूव हो जाओगे। और जब भी आप लोग लिखते हो ना गाइज, तो पूरा पैराग्राफ मत लिखना, हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद एक लाइन छोड़ो, उसके बाद पार्ट वन लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, फिर पैसेज टू लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के 3 और एक लाइन छोड़ के कंक्लूजन। कभी भी सब कुछ एक ऑर्डर में मत लिख देना, जितने बैंड्स आपके आ रहे होंगे ना वो भी नहीं आएंगे। तो ये गलतियां मत करना जब भी आप लोग एग्जाम में लिखने जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में भी गाइज आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप उसी तरीके से लिख के आओगे पेपर में। सो यही था गाइज मेरे पास, जो भी मेरे को चीजें पता थी, मुझे जो भी मैंने प्रैक्टिस किया था 3-4 दिन के अंदर, वो सारा कुछ आप लोग को ये वाले वीडियो में बताने का ट्राई किया है मैंने। अगर वीडियो गाइज आप लोगों को यूजफुल लगी है तो कहीं पे जरूर शेयर कर देना किसी इंसान को जिसको जो एग्जाम देने वाला है या जिसको प्रॉब्लम हो रही है IELTS राइटिंग के अंदर, अगर उसकी हेल्प हो गई तो गाइज उससे बेटर तो क्या ही होगा। और अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो वीडियो लाइक कर देना गाइज, कमेंट कर देना मेरे वीडियोज में, जरूर मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, यूजफुल था नहीं था, जो भी है कमेंट करो। और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।